हेलो एवरीवन, आई एम राय शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। आते हैं आपका नेक्स्ट ईयर पेपर 6 का है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉन लीनियर स्पेस बट नॉट कन्वर्सली। ठीक है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, उसके बाद प्रूव करनी है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होगा इज अ नॉन लीनियर स्पेस, और लास्ट में आपको यह भी शो करना है कि कन्वर्सली ट्रू नहीं होगा। ओके, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों सेम ही है और 2018 और 16 में पूछा गया ये वाला पार्ट, 2018 में क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, इट इज़ डिफाइन और करके डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड प्रूव दैट एवरी प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉन लीनियर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्म डिफाइंड बाय नॉर्म एक्स इक्वल टू रूट एक्स एक्स फॉर ईच एक्स इन द स्पेस वेयर आपका एक्स और एक्स क्या डिनोट करता है, इनर प्रोडक्ट किसका, एक्स और एक्स दोनों एलिमेंट्स जो है आपका उसका। ठीक है, अब ये आपका दोनों तरह से पूछ सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए नीचे वाले क्वेश्चन को, इसको इरेज कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बात आए इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस, मतलब समझ लेना ये वाला क्वेश्चन पूछा होगा, पूछा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिफाइन करना है आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है, चलिए सॉल्व करते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस, शॉर्ट में हम लोग कभी कभी आईपीएस भी इसको बोलते हैं। ओके, किसको बोलोगे, तो मैपिंग एफ, अ मैपिंग एफ डिफाइंड ओवर वी क्रॉस वी टू एफ, कोई मैपिंग होगी वी क्रॉस वी से डिफाइन होगा आपका एफ में, इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कुछ कंडीशंस हैं तो क्या क्या होनी चाहिए वो देखिए। सबसे पहला आपका एक्स और एक्स क्या होगा, एक्स और एक्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो, और सेकंड है आपका अगर एक्स और एक्स का नेट प्रोडक्ट ज़ीरो है इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एंड थर्ड आता है आपका इट इज़ एक्स y का कॉन्जुगेट होता है वाई एक्स। ठीक है, इसका नाम है कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, नाम है इस प्रॉपर्टी को, बोलते हैं बस ये याद रखिएगा। एंड फोर्थ इज, अब फोर्थ क्या है आपका ए एक्स प्लस बी वन, यहाँ प्लस है ए एक्स प्लस बी वाई जेड इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स जेड प्लस बी इंटू वाई जेड। ठीक है, ए इंटू एक्स जेड और बी इंटू वाई जेड, जहाँ पे आपका ए और बी कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पे ये रखा ए और बी कहाँ बिलोंग करेगा और दूसरा क्या बचा एक्स और वाई, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ए और बी आपका बिलोंग करता है एफ में और ये बिलोंग करता है बी में। ठीक है, लिखोगे देन द पेयर, तब जो पेयर बनेगा आपका, ठीक है, तो पेयर क्या लोगे,
अब यहाँ पे एक और बात, जो ए एक्स प्लस बी वाई है जेड का, इसका इसका लिए इनर प्रोडक्ट ये कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके अब यहाँ से डिफाइन करोगे तब जो पेयर बनेगा वी और इनर प्रोडक्ट का, वी इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस ही होगा। अब आते हैं प्रूफ वाला पार्ट पे। प्रूफ वाला पार्ट में क्या करोगे भाई, देखो इनर प्रोडक्ट वी कोई मान लगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, तो आपको शो क्या करना है, नॉन लीनियर स्पेस। आप बताइए प्रूफ वाले पार्ट में आ जाइए, यहाँ तक तो कर लिया। अब पहले मान लो लेट आपका वी क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तब आपको प्रूफ करनी है क्या, देन वी आर गोइंग टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करने जा रहे हो, इट इज़ व्हाट, नॉन लीनियर स्पेस। अब यहाँ पे एक और बात, वी तो यहाँ पे डेफिनेशन समझ गए, वी आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, इट इज़ ये लिखी लो पहले, नॉन लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अब नॉन लीनियर स्पेस का जो आपका है नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करना है, तो अगर नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करना है जिसका चारों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए, देन इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस, उसका सारा कंडीशन आपका सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप बताइए अगर x आपका बिलोंग करेगा v में, देन फ्रॉम द डेफिनेशन किसके डेफिनेशन से भाई, वी हैव नॉर्म x का स्क्वायर लिख सकते हो, क्या होता है x और x का इनर प्रोडक्ट, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब बताइए सबसे पहला कंडीशन नॉर्म का प्रूफ करने जा, अब नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर जो आपका होगा, अब बताइए यहाँ पे जैसे आपने ये वाला पार्ट प्रूफ किया था तीन यहाँ कंडीशन गिवन, अब हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन आपका गिवन है इनर प्रोडक्ट का, इसको यूज़ करके आपको क्या करनी है, नॉर्म की सारे कंडीशन वेरीफाई करनी है। ठीक है, अब बताइए ये क्या हो गया आपका, इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स और एक्स, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर देखो इनर प्रोडक्ट आपको गिवन है, इस तरह से निकालोगे। अब जैसा ये जो प्रोडक्ट आप वैल्यूज़ गिवन है इनर प्रोडक्ट, ये ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, तो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, जैसा ये आ गया इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, क्या लिखोगे, सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन। आप सेकंड पे आ जाइए, सेकंड में क्या रखा हो आप बताइए, यहाँ पे ऑल्सो क्या होगा, अब यहाँ जो सेकंड है यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली, ये पहला नॉर्मल वाला याद करो, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था, तब ये क्या हो जाएगा सेकंड वाला पार्ट में, जैसे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको सॉल्व करनी है ये वाला पार्ट, क्लियर। तो सबसे पहले बताइए एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ पे इनर प्रोडक्ट था, इसका मतलब क्या हुआ एक्स ज़ीरो, तो इफ एक्स बराबर ज़ीरो इम्प्लाइज व्हाट, नॉर्म एक्स ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज नॉर्म एक्स ज़ीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या, सेटिस्फाइज कौन सा कंडीशन, सेकंड कंडीशन,
सेकंड कंडीशन आपका ये सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड में बताइए अल्फा एक्स का नॉर्म का स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा एक्स क्लियर है अब तक? तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स कॉमा अल्फा अल्फा कंजुगेट एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले पार्ट को नोट करिए, इसको इरेज कर रहा। हाँ जी नोट कर लिया, चलो। अब लास्ट लाइन के बाद इसका मतलब क्या बताइए, अब ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्म ऑफ अल्फा जो था यहाँ पे अल्फा एक्स का स्क्वायर, तो इट विल बी नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो पार्ट आप लाए हो यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या हो गया, मॉड अल्फा का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ जो आपका एक्स था क्या हो गया स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ, ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू मॉड अल्फा। अगर याद करोगे तो ये आपका नॉर्म का क्या है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइज थर्ड, ठीक है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। अब अच्छा आपका फोर्थ वाला, फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ में क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का आप लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट, इसमें कोई डाउट? इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, अब यहाँ ये वाला इंटू नहीं है, यहाँ इसके जगह पे आपका क्या होता है कॉमा, मतलब आप इसका इनर प्रोडक्ट ले लो, तो इस तरह से इंटू मत कर देना, ठीक है। अब बताइए एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई होगा, फिर प्लस वाई, इसमें कोई दिक्कत? अब ये अब इसको तोड़ोगे तो ये क्या होगा, एक्स एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस, फिर से ध्यान से यहाँ पे इसको तोड़े तो एक्स एक्स आया, फिर एक्स वाई आया, वाई एक्स आया, फिर वाई वाई, तो इसका इसका यहाँ प्रोडक्ट लोगे तो ये क्या हो गया आपका, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये आपका एक्स और वाई रह गया, क्लियर। अब बताइए ये वाला पार्ट आपका वाई एक्स रह गया, ये हो गया नॉर्म ऑफ वाई का, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे बताओ, एक्स वाई और वाई एक्स में आप क्या लिख सकते हो, ये इसका कॉन्जुगेट है तो इसको लिख सकते हो, और इसका नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई के साथ क्या हो गया, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी से इसके जगह पे आराम से लिख सकते हो थर्ड प्रॉपर्टी, सॉरी हाँ थर्ड सिमेट्री वाली। अब बताइए ये जैसा ही आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इस वाले पार्ट को नोट करिए, इरेज कर रहा, चलो नोट कर लिया, चलो। अब बताइए उसके आगे का लाइन क्या होगा आपका, जैसे ये वाला पार्ट आता है रियल पार्ट जानते होगे क्या होता है लेस, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा आपका, सिंस एक बार जानते होगे पहले से आप लोग, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है लेस इक्वल मॉड ऑफ जेड, तो जानते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ आपका, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर लेस इक्वल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ, अब यहाँ पे एक्स वाई का था तब ये क्या आ जाएगा,
ठीक है, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स वाई, तो जेड के फॉर्मूला से क्या होता है लेस इक्वल। अब यहाँ पे साइन इक्वलिटी के बाद जो यहाँ था, अब यहाँ लेस इक्वल की साइन आएगी। ठीक है, अब बताइए क्या हो गया आपका इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स का नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ नॉर्म एक्स नॉर्म वाई। अब इसमें कोई डाउट, डेफिनेशन फ्रॉम अ डेफिनेशन लिख दोगे यहाँ पर, फ्रॉम डेफिनेशन, क्लियर। अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ से क्या देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, जहाँ ए की जगह पे क्या है नॉर्म एक्स, बी की जगह पे क्या है नॉर्म वाई। तो अब ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, इम्प्लाई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस इक्वल, क्या हो जाएगा इज लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। चारों कंडीशन सेटिस्फाई थी, फोर्थ था क्या लिखोगे, सेटिस्फाइज फोर्थ कंडीशन, चारों कंडीशन सेटिस्फाई। तो फाइनली अब और क्या लिखोगे, सिंस ऑल द कंडीशंस ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस आर सेटिस्फाइड, ठीक है सेटिस्फाइड है आपका, तो जो आपका प्रूफ क्या करता है, विच प्रूव्स दैट विच प्रूव्स दैट एवरी इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस इज व्हाट, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, क्लियर। इसको नोट करिए, और वाला पार्ट प्रेस कर रहा। अब इसका मान लो यहाँ तो पूछा ठीक है, बीच में कन्वर्स लगा देगा, कन्वर्स पार्ट क्या होगा, वो वाला पार्ट बता रहे हैं, इसको नोट करिए। हाँ जी नोट कर लिया, चलिए अब अच्छा लास्ट इसका अगर एक्स्ट्रा कन्वर्स पार्ट आपको अगर ऐड कर देगा तो आप कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, कन्वर्स पार्ट के लिए बेसिकली हम कुछ नहीं करते, कोई एग्जांपल देकर आपको शो करनी है ऐसा एग्जांपल, ताकि ये कंडीशन आपका नॉन लीनियर स्पेस का सेटिस्फाई ना हो। नॉन लीनियर स्पेस का कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं होगा दैट मींस आवर थ्योरम क्या फेल। अब यहाँ पर कन्वर्स पार्ट पाइए, कन्वर्स पार्ट, ठीक है इसके लिए क्या लिखेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट बाय अ सुटेबल एग्जाम्पल, किस एग्जाम्पल से आप शो करेंगे। ठीक है, तब लिखो नॉलेट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन जीरो वन एंड वाई इक्वल्स टू माइनस टू जीरो टू, ठीक है, या इसका उल्टा भी मान सकते हो, ज़्यादा बेटर वही रहेगा, माइनस वन पहले ले लो, माइनस वन जीरो वन एंड वाई इक्वल्स टू माइनस टू जीरो और टू, ठीक है माइनस टू जीरो और टू हो गया। सो
अब यहाँ पर देखिए माइनस वन आ गया, और इसी का माइनस टाइम्स लोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आप क्यों नहीं हुआ मैं आपको बता रहा, सो दैट। अब यहाँ पर देखिए जो आपका वाई का वैल्यू है माइनस ऑफ टू एक्स है, देखो ध्यान से, माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस जीरो, माइनस टू से करो तो माइनस टू, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो माइनस वन और माइनस, ठीक है। अब बताइए यहाँ से बट नॉर्म एक्स क्या होगा, रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा वन प्लस जीरो प्लस इट विल बी रूट टू, इसको मान लीजिए फर्स्ट। उसी तरह से नॉर्म वाई निकालोगे तो इट विल बी रूट अंडर माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आपका इसमें क्या है, टू है, तो टू का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया टू प्लस टू, ये हो गया फोर, टू टू जा ये ज़ीरो प्लस फोर इट इज़ रूट अंडर एट, इट इज़ टू रूट टू, इसको मान लो। सेकेंड एंड एक्स प्लस वाई का वैल्यू पहले निकालिए क्या होगा, माइनस वन प्लस टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो वन माइनस टू, ये आपका हो जाएगा वन कॉमा ज़ीरो कॉमा माइनस वन, इसमें कोई डाउट, वन कॉमा ज़ीरो कॉमा माइनस वन। अब यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई निकालोगे तो इट विल बी रूट अंडर वन स्क्वायर ज़ीरो स्क्वायर प्लस माइनस वन, इट इज़ वन प्लस वन रूट में प्लस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा रूट अंडर टू, ठीक है। तीनों इक्वेशंस देखो, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, अब बताओ वहाँ से नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या इसके इक्वल आती है, नहीं, तो यहाँ से क्या मिला, सो इट इज नॉट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, अगर नॉन लीनियर स्पेस नहीं है तो क्या प्रूफ करता है, विच प्रूव्स दैट दैट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, वो क्या प्रूव करता है कन्वर्स इज ट्रू इसके लिए नहीं है, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए, हाँ दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है, और नेक्स्ट लेसन हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।